रामायण महापुराण की कथा सुन रहे हैं। एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं, बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है, उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। यह भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी और मैया कोई कामना, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमक और मैया कोई कामना, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई कामना नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे। एक बिछुड़ी नहीं, कितनी? दो, तीन, चार, पांच। एक एक पांव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोलो सही है कि अलग है? जितने आसपास चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी व्यक्ति का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी हुई है। यही वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी निकलती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। पर नहीं, बिछुड़ी भी दो हो जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक
अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, दो चूड़ा डालेगी, चार डालेगी, बारह डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेली। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे। प्रतिदिन दे रहे और अब आप तो फैशन आ गया, तुम लोग जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक अध्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है, उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव।